खदीजा कमोडिटीज और गुलाम मुस्तफा केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने कंपनी मालिक कासिम बिलाल और मैनेजर अरशद इलाही को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान पर ऑनलाइन सरमाकारी के नाम पर आवाम से 27 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है। खदीजा कमोडिटीज और गुलाम मुस्तफा एंड सन्स के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। कासिम बिलाल नैब ने कंपनी मालिक कासिम बिलाल को गिरफ्तार किया है और इसके अलावा अरशद इलाही को भी गिरफ्तार किया है। मुलजमान पर ऑनलाइन सरमाकारी के हवाले से इल्जाम है कि उन्होंने लोगों को लूटा है। मुलजमों ने 900 से ज्यादा लोगों को लूटा है। खदीजा कमोडिटीज और गुलाम मुस्तफा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तफसील जानेंगे राहील सैयद से। राहील सैयद, नैब की इस कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, नैब ने बड़ी कार्रवाई की और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि मुलजमान जो है, जिसने जो नैब तहकीकात करा था, खदीजा कमोडिटीज से कासिम बिलाल और मैनेजर मोहम्मद इरशाद इलाही को गिरफ्तार किया गया है और मुलजमान के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने ऑनलाइन सरमाकारी के नाम पर आवाम के जो है करोड़ों रुपए लूटे गए हैं। अब तक की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि 27 करोड़ से जायद का जो है मुलजमान ने फ्रॉड किया है, जिस पर जो है जो तहकीकात करते हुए इन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के खिलाफ डीपीओ सरगोधा ने जो है नैब को दरख्वास्त दी थी कि मुलजमान धोखाधड़ी में मुलविस हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अक्टूबर 2018 में जो है ये कार्रवाई का आगाज किया गया था और अब दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जबकि कल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहील।